रही हूँ साबूदाना का पापड़। इसके लिए हमने साबूदाने को 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। यह देखिए अच्छे से फूल चुका है। अब हम सबसे पहले कढ़ाही को रखेंगे गैस के ऊपर। इसमें मैं पानी डालूंगी। अब मैं इसमें अपना भीगा हुआ सारा साबूदाना पलट दूंगी। अभी हमको पानी और लगेगा। इसमें मैं 1/2 किलो साबूदाने के पापड़ बनाने जा रही हूँ। इसमें हमको 4 लोटे पानी डालना पड़ेगा। अब हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे अच्छे से, जब तक यह ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे साबूदाना। हमको कंटिन्यू इसको चलाना पड़ता है, वरना यह तली में लग जाएगा। देखिए यह अब गाढ़ा होने लगा है और हमारा साबूदाना भी ट्रांसपेरेंट होने लगा है। इस स्टेज पर आकर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा जैसे ही पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा नमक को। बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच से भी कम। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से इसमें मिला देंगे। इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। जीरा, कसूरी मेथी, आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। लीजिए अब यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक पॉलीथिन पर धूप में फैला दूंगी। बस हमको इतना ही इसको गाढ़ा रखना है। देखिए ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है साबूदाना। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको धूप में जाकर फैला दूंगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस टाइप से इसको फैलाना है। देखिए इस पॉलिथीन में फैलाऊंगी इस पापड़ को। हमको पॉलिथीन के ऊपर घी लगा के मैंने रखा हुआ है पहले से। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घी यूज़ कर रही है क्योंकि स्मेल नहीं आती है घी से। हो सके तो आप भी घी लगाइएगा। और इस टाइप से फैलाना है, कुछ नहीं करना होता है। इनको सूखने में 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन बाद आपको तब तक खाइएगा। देखिए कितने अच्छे से सूखे जा रहे हैं। ये देखिए 1/2 किलो साबूदाना में हमारे ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हैं। अब जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको तलकर आपको दिखाऊंगी। साबूदाने के पापड़ सूख चुके हैं, अब मैं इनको तल के दिखाऊंगी। देखिए कितना बड़े हो रहे हैं, एकदम छोटा छोटा सा है लेकिन अच्छा फैल रहा है। देखिए कितना सुंदर बन रहा है। बस इसी तरह से हम अपने साबूदाने के पापड़ों को चल लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे पापड़। प्लीज़ आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को।